हेलो फ्रेंड्स, चैनल फॉर ऑल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बैडमिंटन बेसिक्स की, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा करेक्ट बैडमिंटन रैकेट ग्रिप। सो आई हैव अ रैकेट विद मी और ये सेशन बेसिकली नोविसेज और बिगिनर्स के लिए, हालांकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी हो सकता है, बट अभी हम सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि करेक्ट रैकेट ग्रिप क्या होनी चाहिए जब आप बैडमिंटन खेलना शुरू करें या आपने कुछ टाइम से शुरू किया है और उसे प्रोफेशनली नहीं ले रहे या प्रोफेशनली लेना चाहते हैं लेकिन कोई दिक्कतें आ रही हैं रैकेट को होल्ड करने में और करेक्ट शॉट्स मारने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बताना। सबसे पहले रैकेट को आपने ये बिल्कुल सीधा पकड़ना है और ये हाथ ऐसे एकदम परपेंडिकुलर इस रैकेट ग्रिप के पास ले आके बिल्कुल सेंटर से आपने ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल हो गया, एक प्लस की तरह बन जाएगा। अब आपने इस रैकेट को 45 डिग्री बेंड करना है और अपने हाथ की फिंगर्स को लूज छोड़ देना और आने दीजिए उसको। आप देखिए 45 डिग्री पे चला गया है रैकेट, देख सकते हैं। बस अब आप देखिए मेरे हाथ की ये ग्रिप, इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको। सिंपल सिर्फ समझने की बात ये है कि जो इसका फेस है, इसके फेस की लाइन में आपका ये थंब होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी फोर हैंड ग्रिप हो गई और बैक हैंड ग्रिप में रहेगा ये डिफरेंस, ये एक उंगली का फर्क अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड करता है हर एक के हाथ का साइज कैसा है। तो ये आपकी करेक्ट ग्रिप है। अब बताता हूं मैं ये ग्रिप के फायदे क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक उंगली की ग्रिप है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये तो मैंने रैकेट ढीला पकड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका रीजन क्या है इसको ऐसे ढीला पकड़ने का। जैसे कोई अचानक से जैसे किसी ने शॉट मारी और इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, तो आप हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक उंगली का गैप है। लेकिन यही अगर आपने इस गैप को ना रखते हुए और ये ऐसे सेम ग्रिप सेम रहेगी लेकिन ये मैंने टाइटली पकड़ लिया, देख सकते हैं। अब कुछ आता है मेरे पास तो मुझे टाइम लेना पड़ेगा ये पीछे करके और ये ढीला करके, लेकिन उतनी देर में तो शॉट निकल जाएगी। तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन रहेगी, या तो मैं हाथ को ऐसे या ऐसे करूं, अगेन कलाई का प्रयोग किया जाएगा लेकिन वो फिर से रिस्पॉन्स उसका स्लो होगा। लेकिन अगर आपकी ग्रिप जो है उसमें ये एक उंगली का गैप रहेगा तो आपके पास ये देखिए फटाफट रिस्पॉन्स आएगा, ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये हैं बेनिफिट्स इस ग्रिप के, और आप कहीं भी जाएंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आपको यही सिखाया जाएगा कि ग्रिप जो है परफेक्ट ग्रिप रहेगी ये, जिसमें एक उंगली का गैप रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स नीचे छोड़ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस नीचे छोड़ सकते हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम मैं पढ़ता और उनको रिप्लाई करता रहूंगा। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग चैनल फॉर ऑल। गुड बाय।